बुधवार रात दो सगे भाइयों पर अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की बड़ी बमौरी इलाके की है। यह घटना यहाँ काम कर लौट रहे हैं सगे भाई श्रवण और बादल पर अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए MY अस्पताल लाया गया, जहां दोनों के उपचार जारी हैं। दोनों भाइयों को 15 चाकू लगे। फिलहाल दोनों का MY अस्पताल में उपचार जारी है, जहां बादल की हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावर कौन थे फिलहाल साफ नहीं है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये बताए क्या हुआ था? सर ये काम पे से आ रहे थे, पेंटिंग का काम करते दो ही बेटे। छोटा वाला ने टिफिन जस्ट रखा, इसको खबर किसी दोस्त ने करी तो ये वापस गया, तो इसमें भी चाकू मारने लग गए और घायल कर दिया। फिर 108 बोलते क्या बोलते हैं, ये लेके आई हम बड़े वाले को, सावन को। कहाँ पे मारा है इनको? ये सब दूर पूरे शरीर में मारा है सर, सिर्फ सिर मुंह छोड़ के। जगह कहाँ थी, किस जगह? भमोरी सर, भमोरी। क्या कर रहे थे वहाँ? ये उधर से काम पे से आ रहे थे, उधर से। कौन लोग थे मारने वाले? अब ये नहीं आइडिया सर कौन लोग थे, सब बाहर के लोग थे। क्या नाम है दोनों का? सावन बादल। क्या दोनों सगे भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं मेरे बेटे। कहाँ रहते हैं? छोटी कजरानी। अच्छा, कुछ माना है किस वजह से? नहीं सर, कुछ दंगा, कुछ लड़ाई, कुछ नहीं है। कुछ लूटपाट कर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसका मोबाइल और घर से, ये पर्स टेबल पर रखा था, ऐसा मोबाइल रखा था तो मोबाइल रहने दिया, पर्स इसका ID कार्ड ये वो सब घर से गायब हो गया, सब भीड़ लग गई थी। तो ये वारदात आपके घर पे हुई थी? नहीं सर, वो वहाँ बमोरी में, पर सब लेके आए ना, छोटे वाले को, बड़े वाले को। इसको तो 108 में ही पे ले आए, सावन को तो। हा? बड़े वाले को, निर्मला सर, विधवा भाई हूँ मैं तो। नंदू गोखले, वो इस पार्क हो गए।